मध्य प्रदेश में बीजेपी 15 साल सत्ता राज भोगने के बाद विपक्ष में बैठने पर पहली बार प्रदेश व्यापी विधानसभा मुख्यालय स्तर पर कांग्रेस सरकार के वचन पत्रों पर क्रियान्वयन नहीं होने पर आंदोलन किया गया। इसमें बीजेपी ने आरोप लगाकर बताया कि किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ते का वादा धोखा निकला। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता घड़ियाल, थालियां, मंजीरे, शंख बजाकर घंटानाद आंदोलन किया गया। इस दौरान एसडीएम कार्यालय देपालपुर का घेराव भी किया गया। आंदोलन का नेतृत्व पूर्व विधायक मनोज पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोपाल सिंह चौधरी, भाजपा जिला महामंत्री गुमान सिंह पवार ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। आंदोलन किया गया कमलनाथ की भ्रष्ट सरकार, किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज शंखनाद किया गया है और आने वाले समय में यह आंदोलन चरम पर होगा और जब तक कमलनाथ इस्तीफा नहीं दे दे, ये कमलनाथ सरकार गिर नहीं जाए, ये आंदोलन जारी रहे। आखिर प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण है, चारों ओर किसान त्रस्त है, बेरोजगार युवा त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है। जिस प्रकार की झूठी वाहवाही के आधार पर कांग्रेस ने सत्ता को हटाया है, जिस प्रकार किसानों को छलकर, बेरोजगार नौजवानों को छलकर, महिलाओं को छलकर सत्ता प्राप्ति कमलनाथ ने की है, कहीं भी किसी प्रकार अपने एक भी वादे पर या सरकारी माफी का जो युवाओं से किया है बेरोजगारी भत्ते का और जो महिलाओं से किया समूह लोन माफ का, सरकार उसे पूरा करे अन्यथा इस्तीफा दे। परंपरा रही है युद्ध के पहले जिस प्रकार सामने वाली सेना को, सामने वाले दुश्मन देश को हम आगाह करते हैं, उन्हें सतर्क करते हैं कि भैया आप अपनी औकात में रहो, आपने जो वादे किए वो पूरे करो अन्यथा जनता तैयार है। सरकार निश्चित तौर पे हम गिराएंगे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय कांग्रेस के ये मंत्री लोग लड़ रहे हैं, हमें लगता है कि हमें सरकार गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक लड़ लड़ के गिर जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।